आप यहाँ से कैसे गए थे? यहाँ से ये पाइप से एक्चुअली आई लव एक्साइटमेंट थ्रिल सिटी और लिफ्ट से तो हर कोई आता जाता रहता है, उसमें मजा क्या, तो मैं पाइप से जाता हूँ। इंटरेस्टिंग, मुझे भी आपका थ्रिल देखना है, जरा उतर के दिखाइए। रियली? हाँ हाँ, कम ऑन, मुझे भी देखना है कि कोई फिफ्थ फ्लोर से पाइप से कैसे उतरता है। पाइप से ओके पाइप से रेगुलर है मेरा ये। और जाओ कि आप समझ गए? जाइए जाइए। सर मैं लिफ्ट से आता हूँ सर, मैंने कल ही अपनी वाइफ को नया मंगलसूत्र लेके दिया सर। सॉरी सर। बच गया। कैसा रहा? फसला सर, फसला। पर यहाँ से नीचे उतरने में ज्यादा ही थ्रिल होगा। हाँ, यहाँ से ज्यादा थ्रिल है। वो थ्रिल भी देखें। मैं कभी यहाँ से गया? ये इस पे चलते चलते मैं सामने वाली बिल्डिंग में चला जाता हूँ और वहां से नीचे उतर जाता हूँ। सिंपल सैंपल, सैंपल दिखाइए ना। वो भी देखना है आपको? आप इधर से? अलमारी के दूसरे ड्रॉर में इंश्योरेंस की पॉलिसीज है, हाँ देख लेना। मैं इसको रोज याद दिला तो इंश्योरेंस के बारे में कभी भी मैच चढ़ो सकती है। रेड सिग्नल तब निकलना चाहिए था ये। उस रात तुम यही आए थे? हाँ यही आया था। पक्का? हाँ, पाइप भी यहीं तक आती, मैं भी यहीं तक ही आऊंगा ना। पता है ये जगह कौन सी है? नहीं। ये सोनिया चैंग का बेडरूम है, यहीं पर उनका मर्डर हुआ था। क्या? मैं सच कहता हूं, मैंने आपसे झूठ कहा था। उस रात को मैं पाइप से नहीं उतरा था, उस रात को मैं मेरी बीवी के साथ भी नहीं था। अरे उस रात को तो क्या, मैं तो हनीमून की रात को भी अपनी बीवी के साथ नहीं था। हर मर्द की यही कहानी है। लेकिन मैं मर्द। सर इनके भी फुटप्रिंट मैच हो रहे हैं। अब क्या कहना है? मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कहता हूँ। और उस रात को तो मैं कसीनो में था। ये रहा उस रात, ये भी कसीनो में था और ये अपना सारा पैसा हार गया था और पैसों के लिए किसी का भी खून कर सकता था। क्या बात करता है? एक मिनट, मेरा हस्बैंड गैम्बलर है, झूठा है, निकम्मा है, चोर है, फ्रॉड है, कुछ भी कर सकता है ये, लेकिन ये किसी का खून नहीं कर सकता। मैं अपने हस्बैंड को अच्छी तरह से जानती हूँ, समझे? नट्स, आ गई मेरी एंजल वाइफ। इंस्पेक्टर साहब आप इसे पूछ लीजिए, डार्लिंग सच सच बताना उस रात मैं कहाँ था? मेरे साथ अपने रूम में। नहीं नहीं डार्लिंग, इनको सच बताओ। देखो सच कितना भी शर्मनाक हो, बेशर्म होके बता दो, सच बताओ मैं कहाँ था? अपने बिस्तर पर, मेरी बाहों में,
अरे देवी, वो हैंडसम कौन था जो उस रात तुम्हारे साथ बेडरूम में था? इनको सच बताओ। सच बताओ? हाँ, वो गांधी जी वाला सच बताओ इनको। मिस्टर नटवरलाल। हटेट। नटवरलाल का तो सिर्फ गाउन था, कैरेक्टरलेस। इंस्पेक्टर साहब, ये औरत झूठी, मक्कार और कैरेक्टरलेस है। वो प्लेबॉय रॉकी था उस रात मेरे कमरे में इसके साथ, और वही बालकनी से उतर के गया होगा हवेली में। फ्रॉड साला। ये आदमी झूठ बोल रहा है सर। रॉकी एक बहुत ही अच्छा इंसान है, वेरी हेल्पफुल। मेरी वाइफ मुझे हमेशा बताती है कि औरतों की मदद करने के लिए वो आधी रात को भी तैयार रहता है सर। शट अप। बुलाओ उसको। मेरी वाइफ को सर? रॉकी को। सर तुम हो प्लेबॉय रॉकी। यस। 9820420420। सोनिया चैंग के मर्डर की रात तुम 12:30 बजे के करीब कहाँ थे? उस रात मैं एक सेक्सी सुंदर लड़की के साथ लॉन्ग ड्राइव पर गया था। अरे तू भूल जा जो मैंने कहा था। तू इनको बता दे कि तू उस रात मेरी बीवी के साथ बेडरूम में था, बता दे इनको। कैसी बात कर रहे हैं आप? सॉरी, मैं आपकी बीवी को बदनाम नहीं कर सकता। अरे मेरी बीवी की चिंता तू क्यों कर रहा है यार? बता दे, मुझे ये बदनामी चाहिए, मुझे कलंकी नहीं चाहिए। कर बदनाम, कर ना यार। सॉरी, मैंने आपको जबान दी है। I can't do that. I'm a man of principles. अरे प्रिंसिपल तोड़ दे बोल रहे हो मेरी हड्डी। ये सर, ये सर। क्या हुआ? ये सर, सोनिया मैडम का खूनी यही है। उस रात बंगले के अंदर मैंने यही दो पैर और यही दो आंखें देखी थी सर। बोल तू। ये जो कह रहा है वो सच है? हाँ बोल। रॉकी, लड़कियों के साथ खेलना अलग बात है, कानून के साथ खेलोगे तो ऐसी लॉन्ग ड्राइव पर भेजूंगा कि कभी लौट कर नहीं आओगे। सच सच बताओ, उस रात हवेली क्यों गए थे? ऑफिसर, सच बात यह है कि उस रात मैं ही मिस्टर नटवर के बेडरूम में था उनकी वाइफ के साथ। या सी, वो अपसेट थी और रॉकी किसी ब्यूटीफुल लेडी को अपसेट नहीं दिख सकता। हाँ तो ग्रेसी, कहाँ से शुरू करें? आई एम सॉरी रॉकी, मैं बहुत अपसेट थी, किसी की कंपनी की जरूरत थी। नाउ आई एम ओके। मुझे लगा कि मिस्टर नटवर आ गए हैं, इसलिए दरवाजे की बजाय मैं बालकनी से निकला और पाइप से होकर सोनिया मैडम के बेडरूम में जा पहुंचा। जैसे ही बेडरूम से निकलने वाला था मैडम, कि नीचे से राज और प्रिया की आवाज सुनाई दी। मैडम, मैं आपका बच्चा लेकर आ गया। सॉरी मैडम, हम आपका बच्चा लेकर आ गए। मैंने छिप कर देखा, ये दोनों बच्चा लेकर आ गए थे। लगता है मैडम इंतजार करते करते सो गए। कमाल है, हम लोग 25 लाख का बैरर चेक लेकर आए और बैंक सो रहा है। चलो ऊपर देखो। ये दोनों ऊपर आकर मैडम को ढूंढने लगे, इसलिए मैं छिप गया। इनके जाने के बाद मैं नीचे उतरा, लेकिन तभी राज बच्चा लेने वापस लौटा और मुझे पार्टीशन के पीछे छिप जाना पड़ा। उसी वक्त राज ने मेरे दो पैर और मेरी दो आंखें देखी। That's it. जब तुम बेडरूम में गए थे तो वहां क्या देखा? वहां सब बिखरा हुआ था। तुम्हारी भी कहानी अच्छी है। कमाल की बात है सर, मर्डर एक हुआ लेकिन कहानी सबकी अलग अलग है। लेकिन अब मेरे और कातिल के बीच ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि कातिल ने एक बहुत बड़ी गलती की है। उसने हवेली में एक ऐसा सबूत छोड़ा है जिस पर उसके फिंगरप्रिंट्स हैं। आज रात को मैं वो सबूत हासिल करूंगा और कल सुबह यहीं सबके सामने उस कातिल को बेनकाब करूं। अब आप सब जा सकते हैं। थैंक यू सर। एक मिनट, यहां से चाइना टाउन छोड़कर नहीं, हर एग्जिट पर पुलिस का पहरा है।
आज चाइना टाउन की सिल्वर जुबली का सेलिब्रेशन है, वहां जाइए, नाचिए, गाइए, एंजॉय कीजिए। टेंशन लेने की जरूरत सिर्फ कातिल को है, सिर्फ कातिल को, बाकी सब नाचेंगे गाएंगे। नहीं जाना है तो एक दो सेल खुलवा दूं। अरे नहीं, चलो चलो, हम लोग जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? अरे चलो ना सर, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। हमने हवेली के हर कोने को हर एंगल से इन्वेस्टिगेट किया सर, अब वहाँ ऐसा कौन सा सबूत है जिसे आप लेने जा रहे हैं? दरअसल हवेली में कोई सबूत है ही नहीं। अच्छा, मैंने इन्हें इसलिए जाने दिया क्योंकि गुनहगार को सबूत छूट जाने का डर हमेशा रहता है और उसे मिटाने की कोशिश करता है। इनमें से जो भी कातिल होगा वो आज रात को सबूत को मिटाने के लिए कोई ना कोई कदम जरूर उठाएगा और वही कदम उसे एक्सपोज करेगा। रेलवे स्टेशन कनेक्ट करके दो। सर, यू आर जीनियस सर। सॉरी सर। यस मैडम, इंस्पेक्टर सबूत लेने हवेली जाने वाला है। डोंट वरी, मैं भी उसके पीछे हवेली जाऊंगा। इससे पहले कि उसे सबूत मिले मैं उसे वहीं खत्म कर दूंगा। कौन है? ए, अंदर कौन है? कौन है?
लगता है आप लोग सारी रात सोए नहीं। कैसे सोएंगे सर, जरा नींद लगती तो सपने में फांसी का फंदा नजर आने लगता है साहब। साहब ये फांसी का सिस्टम है भी? मेरी भी यही प्रॉब्लम है, जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता नींद नहीं आती। वैसे खूनी को पकड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं था अगर आप सब सच बोलते तो, मगर किसी ने सच नहीं कहा क्योंकि सभी के दिल में चोर था। खून शनिवार की रात 11:30 और 1:30 के बीच हुआ और यहां खड़े सभी लोग इस खून से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। इसका मतलब खून आप में से किसी एक ने किया है और खून करके लाश को बैग में डालकर रास्ते पे छोड़ दिया। और वो बैग में गैम्बलर बाबा का प्रसाद समझकर अपने साथ ले गए थे क्योंकि आपको पैसे कमाने की लालच थी और आपकी बीवी को पैसे कमाने का डर। Am I right, Mrs. KK? जी हाँ, उस रात मैं 50 लाख रुपए जीती थी, लेकिन मेरे पति ये पैसे भी जुए में ना हार जाए इसलिए मैंने सारी बातें छुपा के रखी थी। देखा वकील साहब, पैसा कैसे कैसे खेल खिलाता है। इन पैसों ने ही सोनिया मैडम की जान ली। मिस्टर नटवर, खून की रात 12:30 बजे आप सोनिया मैडम से 25 लाख लेकर आए थे। हाँ, लेकिन मैंने वो पैसों के लिए अपना 5वां होटल भी गिरवी रखा था साहब। सर, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैं सच कहता हूँ, मेरी जिंदा ससुर की कसम, सच। फिर ये बात बताने पुलिस के पास क्यों नहीं आया? क्योंकि जब टीवी पे खबर आई कि सोनिया मैडम का खून हो गया और तिजोरी भी लूट ली गई है तो मुझे लगा कि मैंने जो होटल गिरवी रखे थे उसके कागजात भी चोरी हो गए होंगे, तो मैं चुप रहा। चलो यकीन किया, मतलब जब तुम हवेली से निकले तब मैडम जिंदा थी। हाँ। और तुम्हारे बाद जो हवेली में पहुंचा उसने खून किया। मिसेस नटवर, मर्डर की रात आप भी हवेली गई थी ना? जी। आगे की बात आप खुद कहेंगे या मैं कहूँ? उस रात मैं हवेली गई थी, सोनिया मैडम के कसीनो की वजह से मेरे पति अपने 5 होटल गिरवी रख चुके थे। मैं बहुत गुस्से में थी, लेकिन जब मैं हवेली गई वहां पर कोई नहीं था। मिसेस सोनिया, मैं मैडम से मिलने स्टडी रूम में पहुंची, वहां भी कोई नहीं था। मैंने देखा कि सेफ टूटी हुई थी, फर्श पर सारा सामान बिखरा हुआ था, उसमें मेरे होटल के मॉर्गेज के पेपर्स भी थे। मैंने सोचा यही मौका है अपने होटल्स को बचाने का। मैं वो पेपर्स लेकर वहां से फौरन निकल गई। और कल जब मैंने कहा कि कातिल से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट सबूत अब भी हवेली में है तो तुम घबरा गई और इसे लेने हवेली गई। कल रात हवेली में एक और शख्स आया था जो सिर्फ सबूत ही नहीं मुझे भी मिटाना चाहता था, और वो था ये। ओ खूनी है। तो ये खूनी है और हम खामखा अंतिम इच्छा के बारे में सोच रहे थे। नहीं, असली कातिल तो ये भी नहीं है। नहीं, ये तो सिर्फ एक हेंचमैन है, किराए का गुंडा। वकील साहब, जिस दिन मर्डर हुआ था आप भी हवेली गए थे ना? हाँ, लेकिन मैं तो सुबह गया था। सोनिया मैडम अपनी वसीयत बदलवाना चाहती थी इसलिए। जहाँ दौलत होती है वहाँ वसीयत होती है, और जहाँ वसीयत होती है वहाँ बनाने वाले की मौत होती है। सोनिया चैंग की बेशुमार दौलत हासिल करने के लिए मुजरिम ने सबसे पहले उनके इकलौते बेटे को इस शराबी के हाथों किडनैप करवा के मुंबई भेज दिया। कई दिनों तक जब रैंसम का फोन नहीं आया तब सबको लगा कि बच्चा किडनैप नहीं हुआ है, खो गया है। टेंशन में आके सोनिया चैंग को नींद की गोलियां खाने की आदत थी। कातिल भी यही चाहता था कि एक दिन खबर आए कि बच्चे के गम में बहुत सारी नींद की गोलियां खा लेने से सोनिया चैंग की मौत हो गई। मर्डर को नेचुरल डेथ प्रूव करने का प्लान सक्सेसफुल हो उससे पहले बच्चा इस शराबी के हाथों से निकल गया और इन दोनों को मिल गया, और 25 लाख के इनाम के चक्कर में इन्होंने सोनिया मैडम को फोन किया। हाँ, अपना पता बताइए, मैं वहीं आती हूँ। उस फोन से कातिल को अपना प्लान फेल होता नजर आया और उसने दूसरा प्लान बनाया। बच्चे के वापस आने की खबर से सोनिया चैंग बहुत खुश थी। आज उसे नींद की गोलियां खाने की जरूरत नहीं थी, वो अपने बच्चे का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मर्डर के बाद कातिल ने स्टडी रूम में सेफ तोड़कर
सारे पैसे और ज्वेलरी निकालकर ऐसा माहौल खड़ा किया कि मर्डर का मोटिव रॉबरी लग गया और उसी वक्त वहां ग्रेसी आ गई। मिसेस सोनिया, ग्रेसी के जाने के बाद कातिल अपने प्लान के मुताबिक सोनिया चैंग की लाश को बेडरूम से घसीटकर स्टडी रूम में ले आए ताकि जब राज और प्रिया हवेली में आए तो खून का इल्जाम उन पर लग जाए और ये मास्टर प्लान बनाने वाला वो है। सोनिया चैंग की वसीयत के मुताबिक उनकी मौत के बाद सारी प्रॉपर्टी और बच्चे की कस्टडी उनको मिलती है जो बच्चे से सबसे ज्यादा नजदीक हो, जो ये लोग थे। और एक दिन सोनिया चैंग को इनकी बुरी नीयत के बारे में पता चला, इसलिए उन्होंने अपनी वसीयत को चेंज करने का डिसाइड किया और इन दोनों ने उनको मारने का प्लान बनाया। लेकिन सर, जब खून हुआ उस रात तो ये लोग चाइना टाउन में थे ही नहीं। वो तो इनकी चाल थी। मैंने रेलवे से इंक्वायरी की तब पता चला कि 7 बजे की जिस ट्रेन से इन लोगों ने गांव जाने का बहाना किया था वो ट्रेन कैंसिल हो गई थी। पर इन पर पहली बार मुझे शक तब हुआ जब रॉकी ने मुझे कहा कि वो हवेली में आया तब बेडरूम बिखरा पड़ा था, पर जब हम हवेली गए थे तो बेडरूम एकदम परफेक्ट था, हर चीज अपनी जगह पे थी। कौन सी चीज कहाँ होती है मालिक के अलावा सिर्फ नौकर ही जानता है। ले जाओ इन्हें। चलिए। देखा, मैंने बोला था तक्के से मत। अरे तुमने तो बोला था मार डालो मार डालो, मार दिया, अभी हम मर गए। Excuse me. Yes. तुम्हारे डैडी ड्रग डीलर है ना? नहीं तो क्यों? वरना ऐसी नशीली चीज और कौन बना सकता है? तुम्हें देखते ही नशा चढ़ गया। कहो तो नशा उतार दूं? Of course. जान। Yes, sweetheart. इनके सर पे थोड़ा नशा सवार है, क्या तुम उतार सकते हो? Really? चलें, लॉन्ग ड्राइव पर। वकील साहब सुनिए, देखिए अब तो आपने बच्चे की कस्टडी हमें दे दी है तो हमें हमारा पैसा भी दे दीजिए, नहीं तो वो डायरेक्टर मेरे बिना ही फिल्म बना देगा। अरे टेंशन मत ले, अरे ज्ञानवर बाबा के पास फिल्म बनाने का भी फार्मूला है। क्या हुआ? ये क्या हुआ? अरे क्या? अरे कसीनो का दरवाजा बंद कराओ। क्यों? नहीं तो मैं युधिष्ठिर बन जाऊंगा। युधिष्ठिर क्यों बाबा? पैसे खत्म हो गए, बीवी दाव पे लगानी पड़ेगी।